प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरेंस का नेक्स्ट रिएक्शन है आपका दोस्तों, नेक्स्ट रिएक्शन में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड के साथ करेंगे। तो सर ये एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड क्या है? तो देखिए दोस्त, जब पोटेशियम आयोडाइड को पानी में घुलाइएगा ना, तो उसी को एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड कहते हैं। तो सबसे पहले दोस्त सबस्ट्रेट के रूप में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेंगे। ये हो गया आपका दोस्त बेंजीन का रिंग, ये है आपका बेंजीन, यहां पर लिख दिया हम दोस्त बेंजीन। बेंजीन पर लगा हुआ है एन टू ग्रुप, तो टू के लिए लिख दिए डार। नाइट्रोजन को बोलते हैं एजो ग्रुप, यहां पर लिख दिए एजो। नाइट्रोजन के मुंडी पर है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए नियम लिखते हैं, तो यहां पर लिख दिए दोस्त नियम। इस ग्रुप का नाम हो गया बेंजीन डाइजोनियम, और यहाँ पर लिखा हुआ है सीएल माइनस, तो सीएल माइनस को बोलते हैं क्लोराइड, तो यहाँ पर लिख दिए हम क्लोराइड। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन का बी लिए, बेंजीन का दोस्त बी लिए, डाइजोनियम का डी लिए, और क्लोराइड का सी लिए, तो ये बन गया बी डी सी। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ करेंगे, वो भी एक्वा सॉल्यूशन में और हीट के प्रेजेंस में। तो देखिए दोस्त, पोटेशियम मेटल है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो पोटेशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। आयोडीन नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो आयोडीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। अब पोटेशियम मेटल है, क्लोराइड नॉन मेटल है, तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो मेटल को नॉन मेटल पसंद है। के प्लस सी एल माइनस के साथ जुड़कर बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर दिया। अब देखिए दोस्त, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा होता है, नाइट्रोजन के मुंडी पर होना चाहिए था नेगेटिव चार्ज, लेकिन नाइट्रोजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ऐसी हालतों में नाइट्रोजन हो जाता है अनस्टेबल। तो नाइट्रोजन बेंजीन के रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, एरो का हेड नाइट्रोजन के पास गया, तो नाइट्रोजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। एरो का टेल बेंजीन के रिंग के पास गया, तो बेंजीन के रिंग पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो नाइट्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज डेवलप हो गया, तो ऐसी हालात में नाइट्रोजन हो गया न्यूट्रल, यहाँ से बाय प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रोजन गैस बन गया, यहाँ पर नाइट्रोजन गैस निकली। अब देखिए दोस्त, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को देखकर गाना गाती है, बोलती है मैं कब से हूँ सैया रेडी तैयार, चिपका ले मुझे फेविकॉल से। ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से मिलने चली गई, तो बेंजीन का रिंग था, तो यहां पर बना दिए दोस्त बेंजीन का रिंग, और ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़कर बॉन्ड बना लिए, यहां पर बना दिए बॉन्ड। आयोडो ग्रुप था, तो यहां पर लगा दिया आयोडो ग्रुप, तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया आयोडो बेंजीन, तो यहां पर लिख दिए दोस्त आयोडो बेंजीन। देखिए दोस्त, सबस्ट्रेट के रूप में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड था, तो यहाँ पर लिख दिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। रिएजेंट के रूप में एक्वस पोटेशियम आयोडाइड को ले लिए। देखिए दोस्तों, इसी रिएक्शन को कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड के साथ करते हैं हीट के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में आयोडो बेंजीन बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रोजन गैस और पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो इसका जनरल लैंग्वेज हो गया दोस्त, व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज हीटेड विथ एक्वस पोटेशियम आयोडाइड देन आयोडो बेंजीन इज फॉर्म। तो इस तरह हमारे दोस्त फुल एचडी में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड के साथ खत्म हो गया। तो दोस्त, जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं, और जो राख को बारूद बना दे उसे हिमांशु कुमार कहते हैं।